देखिए, जैसा कि कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बेसिक टर्म हम लोग डिस्कस कर लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में, हम लेक्चर नंबर वन में, लेक्चर नंबर वन में हम लोग कह सकते हैं। और वहाँ पर हमने डिस्कशन किया भी था कि अगर हम किसी कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब भी फ्री इलेक्ट्रॉनों के पास मोशन होता है, और वो जो मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम मोशन कहते हैं। वो टेम्परेचर की वजह से होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से होता है, जैसे हमने बताया भी था कि वो बहुत हाई स्पीड में होता है। देखिए, हम अब अगला बात करें, हमने कहा भी था कि हम कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहला नाम लिखा था हमने रिलैक्सेशन टाइम का। तो रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली है क्या, देखिए ध्यान से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है उनका मोशन होता है, मोशन होने की वजह से ये एक दूसरे से टकराते हैं, और एक दूसरे से टकराने में जो टाइम लगता है, ध्यान रहे, दो सक्सेसिव कोलिजन, जैसे ये आके इसके साथ टकरा है या आके इसके साथ टकरा है, तो यहां से यहां आके टकराने में जो भी टाइम लगेगा, ये इसे टकरा हुआ जितना भी टाइम में टकराते हैं उस टाइम को हम रिलैक्सेशन, क्योंकि रिलैक्सेशन का मतलब कि उतने दूर तक रिलैक्स मोशन हुआ है, इसलिए इसका नाम है, इस टाइम का नाम है रिलैक्सेशन टाइम, या उसे हम लोग फ्री टाइम भी बोलते हैं क्योंकि फ्री मोशन हो रहा है, इसलिए दिस ऑल्सो नोन एज फ्री टाइम, इसे हम लोग फ्री टाइम भी कहते हैं, फ्री टाइम, रिलैक्सेशन टाइम या क्या बोलेंगे इसे हम लोग, फ्री टाइम कहेंगे। तो ध्यान, मैं फिर बोल रहा हूं कि दो सक्सेस, देखिए फ्री टाइम बेसिकली क्या होता है, कोलिजन बिटवीन द टू सक्सेस, ध्यान, सॉरी, इट इज अ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, इलेक्ट्रॉनों में जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो कोलिजन का टाइम होगा उसे हम क्या नाम देंगे, रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली हम लोग 90% केसेस में ध्यान रहे रिलैक्सेशन नहीं बल्कि एवरेज रिलैक्सेशन या मीन फ्री टाइम का बात बोलते हैं, हम लोग बात करते हैं मोस्टली मीन फ्री टाइम, फ्री टाइम, या हम इसका नाम देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, हम लोग बात करेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या मीन फ्री टाइम का। तो जो एवरेज टाइम होता है जिसे टाउ से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं हम लोग, टाउ से, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं, एंड दिस टाउ इज इक्वल टू, ध्यान रहे, मान लो पहले कोलिजन में T1 टाइम हो लग गया, पहले कोलिजन में टाइम कितना है T1, तो पहले कोलिजन में T1 टाइम, दूसरे कोलिजन में T2 टाइम, तीसरे कोलिजन में T3 टाइम, चौथे कोलिजन में T4 टाइम, इस तरह से अगर हमने कहा बहुत सारे टाइम है T1 T2 T3 T4 बहुत सारे ऐसे टाइम है, बहुत कोलिजन होंगे, हमने लिखा डॉट डॉट डिवाइडेड बाय कितने कोलिजन हो रहे हैं, मान लो टोटल n कोलिजन हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय हमने लिख दिया यहां पर है, तो टोटल ध्यान है ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है, ये रिलैक्सेशन, ये पहले कोलिजन का, दूसरे कोलिजन का, तीसरे कोलिजन का, चौथे कोलिजन का, सारे कोलिजन के टाइम को हमने जितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो जो टाइम आएगा दैट इज कॉल्ड द मीन फ्री टाइम, या इसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, दिस टाइम इज कॉल्ड द मीन फ्री टाइम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज टाइम या मीन फ्री टाइम, देखिए मीन फ्री टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। एक और मजेदार बात ध्यान रहे कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन से पहले जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग मीन फ्री पाथ भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, मतलब दो कोलिजन होने के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हम क्या बोलते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम में जितना मूव कर जाता है इलेक्ट्रॉन, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट डिस्टेंस नोन एज अ मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ का अगर हम बात करें, मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ बेसिकली क्या है, एक डिस्टेंस है, सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन, जैसे लगा दो सक्सेसिव कोलिजन या किसी एक कोलिजन होना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, कोलिजन से पहले मतलब कोलिजन हुआ, एक कोलिजन हुआ, अगला कोलिजन होने वाला है, उससे पहले जो इनके बीच का सेपरेशन होगा उसी सेपरेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, मीन फ्री पाथ। वैसे अगर हम लोग बात करें तो टाउ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस मीन फ्री पाथ लैम्डा डिवाइडेड बाय स्पीड, और स्पीड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें थर्मल स्पीड क्या लिखेंगे, 3 kT/m ऐसा लिख देते हैं हम लोग, है ना, दिस टाउ इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ अपॉन उसका स्पीड, किसका,
उस इलेक्ट्रॉनों का स्पीड, जितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये मीन फ्री पाथ हो गया, ये होगा रिलैक्सेशन टाइम। वैसे हमें इस चैप्टर में मोस्टली मीन फ्री पाथ से ज्यादा हमें जरूरत अभी रिलैक्सेशन टाइम का, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। तो रिलैक्सेशन टाइम सबको समझ आया। अच्छा, टेम्परेचर के साथ रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी बहुत जरूरी है जानना। टेम्परेचर के साथ रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इम्पैक्ट होगा, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा घटेगा या क्या फर्क पड़ता है, ये भी जानना हमें। तो देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या होना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों का स्पीड भी बढ़ जाएगा। अगर इनका स्पीड बढ़ेगा तो कोलिजन क्या होंगे, जल्दी होंगे। अगर स्पीड बढ़ेगा तो कोलिजन जल्दी होगा, और कोलिजन जल्दी अगर होने लगा इसका मतलब है रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया फिर कम हो गया। भाई कोलिजन जल्दी होगा तो टाइम कम हुआ ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ध्यान रहे, हम लोग बात करें कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होने वाला है, ध्यान रहे इसमें अगर डिस्कस करें तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम बात करें यहां पर देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, एवरेज रिलेक्शन टाइम क्या होगा, घटेगा। एवरेज देखिए भाई, स्पीड बढ़ जाएगा तो एवरेज रिलेक्शन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। तो एवरेज रिलेक्शन टाइम डिक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज रिलेक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है सबको? अब हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। देखिए अगला जो देखिए, ये रिलैक्सेशन टाइम एक बेसिक था, जो अगला आपका बेसिक टॉपिक है, जो बेसिक टर्म है वो है आपका ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट। बेसिकली हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड का बात तब करते हैं जब कंडक्टर के क्रॉस क्या लगा देते हैं, कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो हमने यहां लिखा है, देखिए व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, देन जब हम कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तब देखते हैं तब होता क्या चीज है। देखिए जैसे ये हमारा कंडक्टर है जिसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रहे, जो सेल होता है बेसिकली सेल का दो टर्मिनल्स अलग अलग पोटेंशियल पे होता है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सेल और ईएमएफ का बात हम लोग करेंगे आगे चल के। तो मानते हैं यहाँ पर एक हमने सेल यूज किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट वी है, ये माइनस ये प्लस, और इस कंडक्टर के क्रॉस लगाया गया है, सो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। इसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कंडक्टर का लेंथ कितना है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। और अगर हम ये पोटेंशियल इसके क्रॉस लगाते हैं दर इस पोटेंशियल की वजह से, इस पोटेंशियल की वजह से इस कंडक्टर के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इसके क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ये प्लस और ये माइनस, और यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सेटअप होगा इसके क्रॉस, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ये बात पढ़े हैं कि अगर इसके मैंने दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वी और ई के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, अगर वही बात करें तो ई इक्वल टू यहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो V by L, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इस कंडक्टर के क्रॉस। अगर इस कंडक्टर के क्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है देन उनको उनको हम उनके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। वैसे आप सबको पता है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन, किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। जब थर्मल एनर्जी की वजह से ये रैंडम मोशन कर रहे थे, कोई इधर कोई इधर कोई उधर कोई इधर, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे
फील के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा. फील के ऑपोजिट में कितना फोर्स होता है? ई इंटू ई. इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बात हम लोग पढ़ेंगे. फील इंटू चार्ज इज इक्वल टू द फोर्स. इस पर भी उतना ही फोर्स, इस पर भी उतना ही फोर्स. सारे और आधार है, सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और सारा फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील अगर इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस डायरेक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दैट फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू ई और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. अच्छा ध्यान रहे, इस फोर्स की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉनों के साथ? इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर जाएंगे और उनका अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन अगर लिखें हम लोग यहां पर लिखा हमने एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन तो हर इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आना चाहिए? आएगा ई अपॉन फोर्स अपॉन मास. डायरेक्शन की बात करें तो फील्ड इधर होगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन. डायरेक्शन बात करें तो माइनस साइन, बिना डायरेक्शन के लिखेंगे तो ई अपॉन एम हम लोग लिख सकते हैं. ये होगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और सारे इलेक्ट्रॉन पे ये एक्सेलरेशन आ जाएगा. अब सारे इलेक्ट्रॉन पे अगर ये एक्सेलरेशन आ जाता है तो उसका मोशन कैसे अफेक्टेड होगा? या इस एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ध्यान रहे जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन एक्सेलरेशन की वजह से, उसी वेलोसिटी को हम लोग बेसिकली नाम देते हैं यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या उसी स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड. तो कितना वेलोसिटी गेन करेगा? तो देखिए आप सबको ये बात पता है कि मोशन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं ऊपर से थोड़ा हटा रहा हूं. देखिए मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेशन कैसा है यहां पर? बेसिकली कॉम्प्लिकेशन ये है यहाँ पर कि इसके पास तो ऑलरेडी मोशन था हीट की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से वो मोशन कर ही रहे थे, फिर अचानक से एक और फोर्स आ गया है तो इसका मतलब उससे मोशन अफेक्टेड हुआ है. और एक और बात है, ये आपस में कोलिजन भी कर रहे होते हैं, ये इसके साथ टकरा रहा होता है. जब कोलिजन होगा तो ये जो फोर्स होगा इफेक्टिव कोलिजन के दौरान ये बहुत तगड़ा फोर्स होता है और उस तगड़ा फोर्स के सामने ये वाला फोर्स अफेक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब दो कोलिजन के बीच में जो वेलोसिटी गेन करा सकता है वो कराएगा, फिर डिस्टर्ब होगा फिर वेलोसिटी गेन कराएगा, फिर डिस्टर्ब होगा फिर वेलोसिटी गेन कराएगा. तो हम ये देखना चाहेंगे कि एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में कितना वेलोसिटी गेन करा सकता है. अगर आप ध्यान रहे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से टोटल चार्ज फ्लो का बात कर रहे थे हम लोग, इसे पहले भी डिस्कस किया था कि टोटल चार्ज फ्लो क्रॉस सेक्शन से क्या आएगा? जीरो. इसलिए करंट क्या होगा? जीरो होगा. अगर हम कभी भी एवरेज वेलोसिटी से हमने कहा ना वेलोसिटी निकालते हैं बिना फील्ड के अगर आप एवरेज देखिए हमने कहा हम लोग विदाउट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं देखिए विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के बात करते तो जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉनों का वो होता है v1 प्लस v2 प्लस या u1 u2 मान लिखता हूं मैं, चलिए u1 u2 प्लस u3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. एक्चुअल में ये बात करें तो कोई इधर कोई इधर क्या इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल पाते हैं या इधर निकल पाते हैं? यहां से रखा नहीं निकलते हैं अब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की. इसका मतलब है कि अगर हम ये वेलोसिटी निकालते तो ये आंसर क्या आता है? जीरो. मतलब ध्यान इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप नहीं लगाए हैं तो टोटल एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा? जीरो आएगा. क्या आएगा? जीरो. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखें, लगाने से क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेशन आ रहा है और इसके आने की वजह से क्या होता है आपका वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तब देखते हैं कि कितना होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालते हैं फील्ड अप्लाई करने के बाद. तो फील्ड अप्लाई करने के बाद मैं इसे हटा रहा हूं. देखिए द फील्ड अप्लाई करने के बाद हमने लिखा आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. देखें आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होना है? नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस एटी. ये तो फार्मूला होता है यू प्लस एटी, ये तो फार्मूला होता है. तो सारे इलेक्ट्रॉनिक के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लिखेंगे U1 प्लस A1 T1 A सबके लिए सेम है प्लस U2 प्लस A2
ए टू सबके लिए सेम है इंटू टी एंड सो ऑन एवरेज निकाल रहे हैं सो डिवाइडेड बाई एन सो दिस एवरेज वेलोसिटी वी इक्वल टू देखिए यू वन प्लस यू टू ये तो आपका इनिशियल वाला टर्म्स है और प्लस ए कॉमन ले लिया टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डिवाइडेड बाई एन ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ए की वैल्यू डाल देंगे यहां पर ए इंटू टाउ इसका मतलब ये जो वेलोसिटी आया है बेसिकली था ये थर्मल की वजह से नेट जीरो हो गया और ये जो फील्ड है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे जो वेलोसिटी आया है उसी को हम लोग क्या नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और देखते हैं वो कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा सो द वेलोसिटी गेन बाय फील्ड हमने लिखा यहां पर वेलोसिटी और हाँ घर कितने टाइम में एक एवरेज एवरेज मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एक मीन फ्री टाइम में जो वेलोसिटी गेन करेगा उसकी बात कर रहे हैं एक मीन फ्री टाइम में जो वेलोसिटी गेन करेगा उसकी बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी गेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मीन फ्री टाइम इन मीन फ्री टाइम इज वी That is drift velocity, is drift velocity. And this drift velocity is equal to, as I say, acceleration minus E upon M into tau. ये हो गया formula. Negative sign ये कह रहा है कि जो direction of drift velocity होगा, that is opposite to the electric field. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये माइनस साइन है वैसे अगर हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखे तो वीडी इक्वल्स टू ई अपॉन एम इनटू टाउ ये फॉर्मूला है दोस्तों ये आपका ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में पता चल गया डायरेक्शन भी पता चल गया कि क्या डायरेक्शन दैन मैं फिर बोला कि एक मीन फ्री टाइम में जो वेलोसिटी गेन करता है फील्ड की वजह से वही ड्रिफ्ट स्पीड होता है और उसका फॉर्मूला है यहाँ पर माइनस ऑफ ई अपॉन एम इनटू टाउ और इसका डायरेक्शन ध्यान रहे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है एंड दिस वीडी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इनटू टाउ अब हमें अगला पॉइंट होता है कि टेम्परेचर के साथ ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है ड्रिफ्ट स्पीड तो आई थिंक समझ में आ गई है ये स्पीड और ध्यान रहे ये स्पीड किसकी वजह से आता है फील्ड के अप्लाई होने की वजह से फील्ड अगर ना हो तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फील्ड ना हो तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा जीरो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है ना तो इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस ड्रिफ्ट स्पीड तो ड्रिफ्ट स्पीड में देखते हैं व्हाट इज टेम्परेचर इफेक्ट तो टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है टेम्परेचर इंपैक्ट ऑन दिस ड्रिफ्ट स्पीड पे अगर हम टेम्परेचर इंपैक्ट देखें दोस्तों तो सबसे पहले देखें याद रहे हमने लिखा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने से जो टाउ होगा टाउ अभी डिस्कस किया था वो बढ़ेगा सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है घटता है दिस टाउ डिक्रीजेस जैसे टाउ डिक्रीजेस दिस इंप्लाइज दैट वीडी आल्सो डिक्रीजेस हियर देख लीजिए यहां पर माइनस साइन इसकी बात नहीं करें हम यहां पर वैल्यू की बात करें तो टाउ घटेगा ऑब्वियस बात है वीडी का इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ता है तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है वो टेम्परेचर के साथ धार रहे इस तरह से चेंज होता है जैसा हमने यहाँ पर लिखा है इसके लिए हम जब भी हमें वीडी चाहिए हम रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर चले जाएंगे टेम्परेचर इफेक्ट के लिए और वहां से फिर हम निकाल देंगे वीडी पे क्या इफेक्ट होता है किसका टेम्परेचर का तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आई थिंक सो ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये आई थिंक सो हम सबको समझ आ गया है दोस्तों एकदम क्लियर है तो रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट स्पीड ये दोनों समझ में आ गया है अगला बात करते हैं हम लोग एक और टर्म होता है बेसिक टर्म उसका नाम मोबिलिटी तो मोबिलिटी भी डिफाइन कर लेते हैं मोबिलिटी देखिए मोबिलिटी दोस्तों क्या होता है जो मोबिलिटी टर्म है वो है क्या बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो मतलब इट इज रेशियो ऑफ
drift speed to electric field. That means the mobility denoted by mu is equal to Vd upon E. ये मोबिलिटी होता है, ये मोबिलिटी होता है उन फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो किसी कंडक्टर के अंदर है, और इसका डेफिनेशन होता है Vd upon electric field is equal to the mobility. ध्यान रहा, मोबिलिटी के ऊपर भी टेम्परेचर इफेक्ट हमें बहुत मायने रखता है जानना कि आखिर मोबिलिटी पे टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है. ध्यान रहे दोस्तों कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अभी अभी देखा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर Vd क्या हो रहा है, डिक्रीजेस. अच्छा, Vd घटेगा, दिस इंप्लाइज दैट मोबिलिटी डिक्रीजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर दोस्तों. बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इन जनरल सोचते हैं मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, तो कभी कभी हम लोग ये बात सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का मोशन तेज हो जाता है. जब इलेक्ट्रॉन का मोशन तेज हो जाता है तो हम लोग ये समझते हैं कि मोबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया. बेसिकली मोबिलिटी ड्रिफ्ट स्पीड पर डिपेंड करता है. ध्यान रहे, जो मोशन होता है दो तरह का मोशन होता है इलेक्ट्रॉनों में, एक होता है रैंडम मोशन, दूसरा होता है ऑर्डर्ड मोशन. और रैंडम मोशन आता है टेम्परेचर की वजह से, और जो ऑर्डर्ड मोशन आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. इसका मतलब जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो एक तरह का कौन सा मोशन है, ऑर्डर्ड मोशन है, रैंडम मोशन नहीं. टेम्परेचर बढ़ाने से मोशन बढ़ता है, लेकिन कौन सा मोशन बढ़ता है, कौन सा रैंडम मोशन बढ़ता है, कौन सा मोशन, रैंडम मोशन बढ़ता है, जबकि ऑर्डर्ड मोशन नहीं. ऑर्डर्ड मोशन ध्यान रहे वो Vd है, ऑर्डर्ड मोशन तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, घटता है. और वैसे भी दोस्तों अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी भी रैंडम मोशन बढ़ेगा तो ऑर्डर्ड मोशन ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, घटेगा. जैसे अगर आपको ऑर्डर्ड और रैंडम मोशन नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप एक एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हम लोग अब नाम तो सुना होगा मेले का, तो कभी भी मेले में देखिए तो पुलिस लगी रहती है, लोग लाइन में चल रहे होते हैं. जब आप लाइन में चल रहे होते हैं और पुलिस के ऑर्डर फॉलो करते हैं तो उस मोशन का नाम होता है कौन सा मोशन, ऑर्डर्ड मोशन. पुलिस बोलेगा नहीं आप सब लोग लेफ्ट जाइए, सब लोग लेफ्ट घूम गए, तो वो कैसा मोशन है, वो एक तरह का ऑर्डर्ड मोशन है. लेकिन अगर किसी ने उसमें अचानक से बोला कि यहाँ एक बॉम्ब है, तो उसके बाद जो पब्लिक का मोशन होता है स्टार्ट, दैट मोशन इज कॉल्ड द रैंडम मोशन. उसके बाद ध्यान रहे जब रैंडम बढ़ने लगता है तो ऑर्डर डिमिनिश, जो ऑर्डर बहुत कम हो जाता है. इसका मतलब रैंडम मोशन बढ़ेगा तो ऑर्डर ऑब्वियस ही बात है घटेगा. तो टेम्परेचर बढ़ाने से वीडी घट रहा है, इस वजह से मोबिलिटी क्या होता है, घटेगा. और मोबिलिटी को अगर हम ऑर्डर मोशन से कंसिडर या सोचेंगे उसके साथ, तो हमें समझ में आएगा हाँ वो टेम्परेचर के साथ क्या होना चाहिए, घटना चाहिए. तो हमें मोबिलिटी पता चल गया, हमें ड्रिफ्ट स्पीड पता चल गया कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, और हमें रिलैक्सेशन टाइम पता चल गया. अब जाके ध्यान रहे अब हम इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. किसी भी कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो करता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये अब हम आगे बढ़ सकते हैं. तो चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, तो देखिए किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करता है, हम इसके बारे में बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, ये हेडिंग हमारा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर. तो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा कंडक्टर है और मैंने इस कंडक्टर को अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, या पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे ऑब्वियस ही बात है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा. लेट इस पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, लेंथ इज एल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज ई. एक और बात ध्यान सुनिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं. लेकिन यहां इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और उसी की वजह से यहां पर चार्ज फ्लो में आते हैं. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाए, समझ जाइए कि ये केस इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं बल्कि किसका होगा, इलेक्ट्रिसिटी का, जैसा यहां पर है. तो यहां बताइए इसके अक्रॉस इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों को एक मोशन मिल जाता है, और कौन सा मोशन, ऑर्डर मोशन. ध्यान है अभी भी ये रैंडम मोशन कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि रैंडम मोशन नहीं करेंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे. हाँ, अगर आपका अगर लॉजिक काम कर रहा होगा दोस्तों, तो आप ये बात बोल सकते हैं कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से करंट की वैल्यू घटनी चाहिए. हमने कहा क्यों, आप बोलेंगे सर उसकी वजह से रैंडम मोशन बढ़ेगा, ऑर्डर्ड नहीं. हमने कहा यस, ऑर्डर्ड मोशन की वजह से करंट होता है. तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से इन सबके पास एक डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा, और उस वेलोसिटी का नाम होगा इसके सबके पास, वो आएगा वीडी, ड्रिफ्ट. और इसी ड्रिफ्ट की वजह से
करंट होगा। जैसे हम कोई भी क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, रैंडम मोशन की वजह से इस क्रॉस सेक्शन टोटल चार्ज जीरो है, लेकिन ड्रिफ्ट की वजह से टोटल चार्ज जीरो नहीं होंगे। तो अब हम उन्हीं ड्रिफ्ट की वजह से कितना चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड, उसी को तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो वो हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक, देखिए ये क्रॉस सेक्शन इसी में एक क्रॉस सेक्शन ये है बनाया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, उसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी जिक्र किया था, और ये सब इलेक्ट्रॉन ऑर्डर्ड मोशन की वजह से कौन सी स्पीड से चल रहे होंगे, vg स्पीड से। अच्छा, पूरा कंडक्टर है, मैंने ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है। कंडक्टर तो इसमें ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को नंबर को दिखाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n दिखाएंगे। अच्छा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से ये इलेक्ट्रॉन पार करने होंगे, जितना क्रॉस करेगा वो बोलते चार्ज। तो हम बस ये चेक करना चाहते हैं dt टाइम में कितना क्रॉस कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसी क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितना चार्ज पास करेगा वो हमें फाइंड करना है, कितना चार्ज पास कर जाएगा। अच्छा बताइए, ये जो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ई है, वो यहां से अगर पास करता है बाहर निकलता है, यहां से पास करके बाहर निकला, जब बाहर निकलेगा तो dt टाइम में कितना चल लेगा बोलिए, यहां मान लो यहां पहुंच गया dt टाइम में, तो ये सारे जो इसके साथ थे सब यहां पहुंच चुके होंगे। हाँ, अगर आपको ये डिस्टेंस भी निकालना होगा तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए vg स्पीड से dt टाइम में, ये डिस्टेंस मिल गया हमें। और ये पूरा सेक्शन, अच्छा ऐसा नहीं कि ये खाली होगा, जब ये आगे होंगे तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पूरा सेक्शन इलेक्ट्रॉनों से भर गया होगा भैया। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन आगे चला तो ये पीछे वाले भी आगे बढ़ेंगे, इसका इस क्रॉस सेक्शन से इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, इतना इलेक्ट्रॉनिक ऐसे लग रहा कि इलेक्ट्रॉनों का सिलेंडर बाहर जा रहा हो, इतना इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितना चार्ज निकले ये निकालना हमें। तो अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकाले पहले, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो n, n इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, n इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया a, और देखिए ये सिलेंडर है तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना होगा vd इंटू dt, ये हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज फ्लो अगर निकाले तो क्या होगा, चार्ज फ्लो इन टाइम t, तो dt टाइम में चार्ज फ्लो अगर देखा जाए तो चार्ज फ्लो की वैल्यू कितनी आएगी बोलिए, आएगा n a vd, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, इज द चार्ज फ्लो। अब इतना चार्ज कितना टाइम में फ्लो किया है, dt टाइम में, इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में इतना चार्ज फ्लो कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, तो फ्रॉम डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो दिस I इक्वल टू हो जाएगा यहां पर, I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n e a v d इंटू dt अपॉन dt, दिस कैंसिल, सो दिस I इक्वल टू n e a v d, n e a v d, ये होगा हमारा करंट का फॉर्मूला। सो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज दिस वन, एन ई ए वी डी, देखिए इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ई इज अ इलेक्ट्रॉन, एन इज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इन सारे फैक्टर्स पे करंट डिपेंड करता है यहां पर। तो बच्चा बता सर टेम्परेचर किस, हाँ टेम्परेचर वी डी डिपेंड करता है, वी डी तो कौन कौन डिपेंड करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आई डिपेंड करेगा। यहां तक समझ में आया हो सबको? तो बताइए किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसमें जो जो करंट फ्लो करेगा उसका फॉर्मूला होता है यहां पर I इक्वल्स टू एन ई अ वी डी, ये हमारा करंट का फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू एन ई अ वी डी, ये हमारा करंट है जो यहां पर हमने अभी ड्राइव किया। सबको क्लियर है मेरा बात, एकदम क्लियर है? टेम्परेचर के साथ करंट कैसे चेंज होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी डी डिक्रीजेस सिंस करंट डिक्रीजेस। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आई इक्वल्स, अच्छा हमें मालूम है यहां पर कि सिंस वी डी इक्वल टू, जो वी डी होता है वो हम लोग लिखते हैं यहां पर ई ई अपॉन एन इंटू टाउ, सो आई करंट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई ई टाउ अपॉन एन इंटू एन इंटू ए इंटू, देखिए ये सब लिख सकते हैं एन ए वी डी और वी डी की जगह एन है, सो आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए
tau upon n into E, where this E is the electric field. You can also write electric field is equal to V by L, so that is n E square tau upon n into V by L into A. So we can also write this I equal to n E square tau upon n into A by L into V. ठीक है दोस्तों, इसके आगे भी वही हम डिस्कशन करेंगे. याद रखें पहले आप सबको समझ में आना चाहिए कि हम करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और एनई और वीडी के टर्म्स में. तो किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसका फॉर्मूला होता है एनई या वीडी. उसे आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में टर्म्स में लिख सकते हैं, वोल्टेज के भी टर्म्स में लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आया होगा. अब ध्यान रहे हम इस कंडक्टर में एक नया फैक्टर डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों, उसका नाम है रेजिस्टेंस. तो उसके लिए हम लोग अब अगले वीडियो का सहारा लेते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे और उसको हम सीरीज पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं ये डिस्कस करेंगे. उसके ऊपर वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हम ये भी डिस्कस करेंगे. क्लियर है मेरा बात सबको? उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ. तो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे दोस्तों. आज के लिए इतना बहुत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.